जय माता दी दोस्तों, अगर जिंदा हो तो तकलीफें तो सहनी ही पड़ेंगी। मरे आदमी को तो जलने का एहसास भी नहीं होता। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो तुम्हें ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। डूबता हुआ सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। मेरी तरफ उंगली उठाने वाले लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो खुद से ज्यादा मेरे बारे में सोचते हैं। जो खोया है उससे भी बेहतरीन पाएंगे। सब्र रख ए दोस्त, दिन अपने भी आएंगे। रुलाए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता, फिर ये तो जिंदगी है, ऐसे कैसे कट जाएगी। मैं खुद से नहीं हारा तो इस दुनिया की क्या औकात है कि मुझे हरा पाएगी। प्यार अगर चेहरे से होता तो ऊपर वाला दिल बनाता ही नहीं। कोई अगर चुप रहे तो उसे सुनने की कोशिश करना। मासूम लोग हमेशा धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वो अक्सर गलत लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं। तुम अगर किसी को धोखा दे रहे हो तो ये मत सोचना कि वो कितना बेवकूफ था, बल्कि ये सोचना कि उसे तुम पर कितना भरोसा था, क्योंकि अक्सर लोग गलत आदमी से धोखा खाने के बाद सच्चे साथी से उसका बदला लेते हैं। आईने के सामने खड़े होकर खुद से माफी मांग ली मैंने, क्योंकि सबसे ज्यादा अपना दिल दुखाया मैंने औरों को खुश करते करते। मोहब्बत उससे करो जो तुम्हें कामयाब होने के लिए प्रेरित करे, ना कि अपनी जिंदगी उस पर तबाह करने के लिए। कभी कभी जिंदगी का अकेलापन भी जिंदगी को समझने और संवारने के काम आता है, इसलिए समय निकालकर अकेले खुद के साथ रहना सीखो। जीवन उसका ही सुधरेगा जो आंख बंद होने से पहले आंखें खोल लेगा। कम से कम एक बार महीने में खुद को याद दिलाना है कि आप कहाँ हैं, आपको कहाँ जाना है और आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या नहीं, उन्हें तो फर्क बस इस बात से पड़ता है आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। इसलिए दोस्तों, लोगों की परवाह करना छोड़ दो, अपने आप पर फोकस करो, अपने आप पर ध्यान दो कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, और उस मकसद को हासिल करने के लिए हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहो कि आपको उस मकसद तक कैसे पहुंचना है और किस लिए पहुंचना है। अगर आप अपने आप पर फोकस करते हैं और अपने आप को हमेशा याद दिलाते हैं कि आपका मकसद क्या है और उस तक आप कैसे पहुँच सकते हैं, तो यकीन मानो जिंदगी में आपको आगे बढ़ने से और सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर एक बार आप सफल हो गए तो वो लोग जो आज आपका मजाक उड़ाते हैं, आज आपको फेल कहते हैं, वो सारे के सारे लोग वापस आपकी जिंदगी में लौट कर आ जाएंगे। आपको उसके लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, वो सारे लोग अपने आप आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। इसलिए खुद पर फोकस करो और अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।